हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नाउ देखो, अगर आपके पास आईफोन का कोई भी सीरीज है, 13, 14, 15, 16, नाउ इन सीरीज में अगर आप देखोगे तो वीडियो कैपेबिलिटीज काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप इस तरह से कुछ कंटेंट बनाना चाह रहे हो, यूट्यूब सेटअप है आपका, स्टूडियो सेटअप है, आप बाहर खुद को शूट करते हो, सेल्फी कैमरा वगैरह यूज़ करते हो, तो वीडियो कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। बट जो उसका कैमरा ऐप है उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं। तो अगर आपने आईफोन लिया है तो सबसे पहले आपने एक फ्री ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लो, आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। उस ऐप का नाम है फाइनल कट कैमरा और मैंने उसको आईफोन 16 पे डाउनलोड करा है। मैं इसका इंटरफेस आपको दिखाता हूँ, क्या क्या इसमें सेटअप है वो दिखाता हूँ। काफ़ी बेसिक है, कुछ चीज़ें इसमें नहीं अवेलेबल हैं जो एक हायर वर्जन दूसरे ऐप में मिलेगा आपको, बट फॉर बेसिक रिकॉर्डिंग पर्पज़ जहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप शुरू कर सको रिकॉर्ड, उसके हिसाब से हर कुछ अवेलेबल है। तो लेट मी स्विच टू आईफोन। तो दोस्तों, यहाँ पे साइड बाय साइड ये रिकॉर्ड हो रहा है मिररलेस कैमरा से 4K में, और दिस इज़ रिकॉर्डिंग फ्रॉम आईफोन 16 के सेल्फी कैमरा से 4K 30fps पे भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड करते टाइम मेरे पास आईफोन में भी ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इसके एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को एडजस्ट करके मैं इसको जितना चाहूँ उतना रख सकता हूँ। बट इसके अलावा आपके पास कोई वाइट बैलेंस एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। इसको रिकॉर्ड करते हुए भी अगर मैं फ्रेम से बाहर जाऊं, वापस अगर आऊं, तो भी मैं फोकस में हूं और एक्सपोजर कॉम्पनसेशन वहीं पे लॉक है। सो दैट इज़ देयर। और सेल्फी कैमरा जो मिररलेस कैमरा है उसमें तो ऑलरेडी है। आईफोन में आप सेटिंग में जा करके वाइट बैलेंस को लॉक भी कर सकते हो, और वो ज़रूर कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपके लाइटिंग चेंज हो रही है, इस सिचुएशन में तो लाइटिंग नहीं चेंज हो रही है, स्टूडियो कंडीशन है, एवरीथिंग इज़ स्टैंडर्ड सेट, बट बाहर अगर आप वीडियो निकालोगे मूव करते हुए, तो आपको सेटिंग्स में वो इनेबल ज़रूर कर लेना चाहिए। जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका वाइट बैलेंस फ्लक्चुएट नहीं होगा। बट इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। तो नाउ आई विल स्विच टू फाइनल कट और आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, नाउ दिस इज़ इंटरफेस ऑफ फाइनल कट कैमरा। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारा ऑप्शंस है, बट बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। सबसे ऊपर लेफ्ट में देखो आप फ्रेम रेट यहीं पे चूज़ कर सकते हो, और 24fps है, 25fps है, PAL है, ये सारा कुछ ऑप्शन यहीं पर है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4K 24fps पे शूट करना है तो 4K आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, और इसके बाद यहाँ पे आप 24fps, 30fps, 60fps जो भी आपने चूज़ करना है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। फॉर्मेट के अलावा देखो यहाँ पे HDR और HDR का है। HDR जब स्विच ऑन कर रहा हूँ मैं तो आपको वार्निंग दिख रहा है रेड का, वो मैं आपको बताता हूँ अलग से। बट यहाँ पे लेट्स से कंट्रोल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे स्टूडियो लाइट है, तो मुझे HDR की ज़रूरत नहीं है, आई कैन कंट्रोल थिंग्स। तो यहाँ पे मैं HDR पे रखूँगा। HDR समटाइम्स परफॉर्म्स बेटर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल विद HDR, बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है HDR में जब शूट करके उसको आप सिस्टम में प्रोसेसिंग के टाइम पर डालोगे तो काफ़ी वियर्ड आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। और बहुत ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कुछ आप शूट कर रहे हो तो बी केयरफुल विथ HDR। इसके अलावा देखो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको फॉर्मेट का। यहाँ पे आपको H.265 का ऑप्शन मिलता है, चाहे आप HDR लो चाहे HDR। आईफोन के कैमरा जो डायरेक्ट ऐप है उससे रिकॉर्ड करोगे तो वहाँ पे आप मोस्ट कंपैटिबल सेलेक्ट करके H.264 में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अदर देन 4K 60fps सिनेमैटिक HDR वीडियोज़ एंड ऑल। बाकी जो रेगुलर फॉर्मेट है लाइक 4K 30fps, 24fps, वो आपका रेगुलर H.264 में रिकॉर्ड होगा। वो बहुत कंप्रेस्ड फाइल नहीं होता, इट्स ए रेगुलर फाइल और ईजी होता है प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम्स वगैरह में। इसके अलावा राइट साइड में जाओगे तो देखो काफ़ी सारा ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले ओरिएंटेशन है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसका ओरिएंटेशन आप देखो, जैसे पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया आपने तो इस तरह से आपका स्विच हो जाता है। तो जब आप वर्टिकल मोड में शूट करोगे पोर्ट्रेट मोड में तो आपको ऊपर अच्छे से ये सारा ऑप्शन दिखेगा। तो इसको अभी मैं अनलॉक भी रखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ऑटो फोकस का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईफोन के रेगुलर कैमरा में आपको ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, इन सब चीज़ों का ऑप्शन नहीं मिलता है। नाउ फ्रंट कैमरा में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बैक कैमरा से मान लो आप मैक्रो शूट कर रहे हो या फिर आप कुछ भी ऐसा शूट कर रहे हो जिसमें आपको फोकस मैनुअली एडजस्ट करना है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो में कि मैनुअली फोकस स्विच अप करने का ऑप्शन मिले आपको एक वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर। सिनेमैटिक बीरोल्स वगैरह बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि स्लोली फोकस शिफ्ट हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो सब चीज़ों का ऑप्शन नहीं मिलता है रेगुलर कैमरा ऐप में, विच यू कैन डू हेयर। यहाँ से इस तरह से आप
मैनुअल या ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो। मैनुअल सेलेक्ट करोगे तो आप फोकस को ऊपर या नीचे करके स्विच कर सकते हो बैक एंड फ्रंट। इसको अभी मैं ऑटो रखता हूँ। ऑटो फोकस के बाद एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का ऑप्शन है, दिस इज़ रियली नाइस। अब नाउ देखो, रिकॉर्ड करते टाइम, लेट्स से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करते टाइम भी मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसके एक्सपोजर को ईजीली एडजस्ट कर सकूँ। जो आईफोन का कैमरा ऐप का एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का स्लाइडर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एक्यूरेट आप नहीं कर पाओगे, आपको स्लाइड करते हुए करना होता। यहाँ पे काफ़ी ईजी है इसको मैनेज करना। यू कैन गो डाउन, सेलेक्ट माइनस वन स्टॉप या माइनस टू स्टॉप, यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो बहुत क्रिटिकल है, विच इज़ योर वाइट बैलेंस का मैनेजमेंट। नाउ वाइट बैलेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट फील लेके आता है आपके वीडियो में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, इनडोर आप दो तीन अलग अलग कैमरा से शूट कर रहे हो या सिंगल कैमरा से भी शूट कर रहे हो, जहाँ पे चाहते हो कि आपका वाइट बैलेंस का एक स्पेसिफिक टोन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अप टू 10,000 केल्विन पर जाऊँगा तो इस तरह का येलो स्टोन आ जाएगा। अगर मैं इसको बिल्कुल ब्लू स्टोन चाहूँ शूट करते टाइम तो इस तरह का मेरा टोन हो जाएगा। अगर मैं इसको 4,000 5,000 के आसपास रखूँ तो रेगुलर आपका मैच हो जाएगा। ना यहाँ पे जैसे 4,500 केल्विन पे रखा है मैंने, जो मिररलेस कैमरा है इसमें भी सेम है, मल्टीपल कैमरा शूट कर रहे हो तो वहाँ पे सेम वाइट बैलेंस आप सेट कर सकते हो ताकि आपके फुटेज में डिफरेंस ना दिखे। पॉडकास्ट वगैरह शूट कर रहे हो और मल्टीपल आपको कैमरा यूज़ करना है, उन सब चीज़ों में ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन नीचे मिलता है वो है आपका जूम इन एंड जूम आउट का। रिकॉर्ड करते टाइम भी आपने अगर जूम वगैरह करना है तो ये जूम आउट है, ये जूम इन है, और काफ़ी स्लोली स्मूथली आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। सो दैट इज़ रियली नाइस। ना इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस है, इसको क्रॉस करोगे तो और भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं सेटिंग्स का, वो मैं आपको बता दूँ। इसके सेटिंग्स पे आप जाओगे तो आपको कुछ प्रेफरेंसेस हैं, टूल्स हैं, ऑडियो का ऑप्शन है। प्रेफरेंसेस में कोडेक है जो फॉर्मेट मैंने बताया, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 265 का ऑप्शन है। फॉर्मेट में देखो जो आपके मेन स्क्रीन पे था वही यहाँ पे फिर से है, यू कैन सेलेक्ट। कलर्स जो था HDR का यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो या मेन स्क्रीन पे तो वो अवेलेबल है ही। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, इसको आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हो। ना स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन स्विच ऑन इस तरह के स्टूडियो सेटअप में जब आप खड़े हो करके आपका कैमरा स्टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप बाहर जब मूव करते हुए वीडियो बनाओगे तो आप उसको स्विच ऑन कर लेना। इसको ऑन करोगे तो टेक्स्ट आपको उल्टा दिखेगा, तो इसको भी आप स्विच ऑफ रखना। ओवर एक्सपोजर इंडिकेटर और फोकस पीकिंग, इन दोनों को आप डेफिनेटली स्विच ऑन कर लेना। आई विल शो यू जस्ट इन अ मिनट। इसको बंद करते हैं। ना फोकस पीकिंग में आपको दिखेगा, अगर मैनुअल फोकस कर रहे हो, अभी तो ऑटो फोकस है तो मैं पास जाऊंगा या फिर मैं दूर जाऊंगा, इट इज़ कीपिंग मी इन फोकस बिकॉज ये ऑटो फोकस पर है। बट अगर मैं मैनुअल फोकस कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं फोकस पे जाता हूँ और इसको मैंने मैनुअल कर दिया। नाउ सी इफ़ आई मूव क्लोज़र तो आई एम आउट ऑफ फोकस, और समटाइम्स ऐसा होता है रिकॉर्ड करते टाइम आपके पास ध्यान नहीं रहेगा, बट अगर आपके पास ग्रीन है ओवरले तो यू कैन सी कि कब आप फोकस में हो, और जितना ज़्यादा आपके चेहरे पे ग्रीन रहेगा उतना मान लो कि आप फोकस में हो। बैक कैमरा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप स्विच कर रहे हो फोकस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये काफ़ी फोकस पीकिंग हेल्प करता है। ग्रीन आपको दिखेगा अगर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो कहाँ से आपने फोकस कहाँ स्विच करना है वो आपको क्लियरली। सो दोस्तों दिस इज इट, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड सी यू सून।